अरविंद केजरीवाल पहले समन के बाद से ही यह आशंका जताते रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। 17 नवंबर को कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शराब घोटाले की, जज बार बार पूछ रहा है सीबीआई वालों से, एक तो सबूत दे दो। कोई सबूत नहीं सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं ईडी के पास। जज बार बार कह रहा है 2 मिनट नहीं टिकेगा तुम्हारा केस, ये शराब घोटाला है। और एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं, केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार।